Assalamu alaikum, this is Aksa Mahmood and welcome to my channel. This video is all about Cerelac. सबसे पहली बात कि Cerelac क्या होता है और क्यों दिया जाता है बच्चों को, किस उम्र से दिया जाता है, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, कौन सा फ्लेवर कौन से मन से बच्चे को देना चाहिए, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, दिन में कितनी दफा देना है, किस उम्र में कितने मील्स Cerelac के देने हैं, दूध मिलाकर देना है या पानी से बनाकर देना है, और स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं जो अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं, कौन सी उम्र से खिलाएं। तो बच्चे को स्टार्टिंग में सॉलिड फूड में बहुत कुछ दिया जा सकता है। अमूमन 5 to 6 मंथ से सॉलिड फूड स्टार्ट करवाए जाते हैं। आप अपने बच्चे को मैश किया हुआ केला खिला सकती हैं, सूजी दे सकती हैं और Cerelac भी दे सकती हैं। एंड देयर अमाउंट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर बेबीज नीड। आपको ये खुद एनालाइज करना होगा कि आपका बच्चा आसानी से कौन सी चीज डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने जब हरीम को फ्रेश मिल्क देना स्टार्ट किया था तो मुझे अंदाजा होने लगा था कि वो पानी मिला दूध भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और उसे कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो मैंने इसका फ्रेश मिल्क फौरन क्विट कर दिया और 0 to 6 मंथ वाला फार्मूला स्टार्ट करवा दिया। जबकि मैंने अपने बड़े बच्चों को इस उम्र में जब फ्रेश मिल्क दिया था तो उन्हें एज सच कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता था। तो हर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी अपनी फिजियोलॉजी पर बेस करता है। खैर, 5 to 6 मंथ के बेबी को क्या क्या देना है वो वीडियो सेपरेटली एडिट हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट Cerelac। बच्चे की पहली ठोस गिजा आप Cerelac से बिल्कुल स्टार्ट करवा सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी मील, क्योंकि Cerelac में फाइबर रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पर गौर करें। और एज यू नो, फाइबर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी डाइट में भी फाइबर की एक स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है तो आपको भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसीलिए बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हुए ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि बेबी को फाइबर रिच फूड दिया जाए ताकि वो आसानी से कंज्यूम करके डाइजेस्ट कर ले। अच्छा जी, डिटेल समझ लेते हैं। अगर हम डिटेल की बात करें तो इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ। 6 माह की उम्र से पहली ठोस गिज़ा, तो ये 2 फ्लेवर्स हैं, एक गंदुम है और एक चावल है। इसके अलावा नए जायके जो हैं 6 माह की उम्र से ही, वो ये 3 जायके हैं 2-2 फलों के साथ। जैसे कि इसमें है बनाना, इसमें है बनाना के साथ एक और कोई फल है, और इसमें सेब और आई थिंक बनाना है। तो ये 3 जायके मतलब टोटल 5 फ्लेवर्स हैं जो आप 6 माह की उम्र से स्टार्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में आप इसको गंदुम और चावल यानी कि एक एक जो इंग्रेडिएंट है ना वो आप दें, उसके बाद फिर ये नए जायके मुतारिफ करवाएं। तो 6 to 8 मंथ तक आप ये वाले सारे जायके आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने बेबी को। उसके बाद यहाँ पे 8 माह की उम्र से चबाना सीखता है जब बच्चा, यानी कि दांत निकालना शुरू करता है, तो तब ये 2 फ्लेवर्स हैं, एक में है आई थिंक सेब और कोई दूसरा फ्रूट है, और एक में है स्ट्रॉबेरी और सेब, जो यही वाला है सेब स्ट्रॉबेरी और नाशपाती के टुकड़ों के साथ, यानी कि इसमें थोड़े से चंक्स आपको नज़र आएंगे Cerelac में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए दूध मिला दलिया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम Cerelac को दूध के साथ मिला के बच्चे को दे सकते हैं, तो इसमें ऑलरेडी दूध मौजूद है तो आप इसको सिंपल पानी के साथ ही मिला कर दीजिए। उसके बाद जी नेक्स्ट है 1 साल की उम्र से, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए भी Cerelac मौजूद है, लेकिन वैसे 1 साल में बच्चा जो है वो खाना पीना शुरू कर देता है घर का खाना, लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा डोज देना चाहते हैं तो इसमें ये 2 फ्लेवर्स हैं जिसमें आई थिंक फ्रूट भी हैं और गंदुम चावल, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इन्होंने 2 का कॉम्बिनेशन इसमें बना दिया है। तो चुनिए सही उम्र के लिए सही गिज़ा, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा इन्होंने चार्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मरतबा रोज़ाना देना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि बच्चों को Cerelac हम कितनी टाइम दें। स्टार्टिंग में जब आप पहली ठोस गज़ा देंगे यानी कि पहली दफ़ा जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनमें से कोई भी फ्लेवर, तो ज़ाहिर है सिर्फ 1 दफ़ा ही आप उसको देंगे फीड। पूरे दिन में सिर्फ 1 टाइम ही इंट्रोड्यूस करवाएं, सिर्फ उसको टेस्ट करवाएं। जब जैसे जैसे बच्चा यूज्ड टू होता जाए उस टेस्ट के साथ, तो फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और इसके साथ साथ मील्स भी बढ़ाते जाएं। फिर 2 टाइम कर दें और फिर 3 टाइम कर दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मुदाफियती निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद करे, विटामिन ए प्लस जिंक के साथ है और
यहाँ लिखा हुआ है गजाइत ज्यादा पहले से कम चीनी। पहले से कम चीनी का मतलब ज्यादा गजाइत बश गंदुम जिसे बच्चों की गजाई जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब किया गया है, बेहतरीन जायका भी। मैंने इनको टेस्ट भी किया है। हमेशा आप जब भी बच्चे को कोई भी फूड दें तो उसको हमेशा टेस्ट जरूर किया करें। तो मैंने जब इसको टेस्ट किया है तो ये थोड़ा सा मीठा भी है, तो इसमें चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद मालूम के लिए आप यहाँ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे 1867 से बच्चों की निगहदाश्त का ज़ामिन। और फ्रंट पर आ जाते हैं तो फ्रंट पे यही है कि सेब, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती के टुकड़ों के साथ। ये 8+ मंथ से है, मैंने मंगवाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये मैं अभी इसको खोलूंगी नहीं, क्योंकि खोलने के बाद इसको एटलीस्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर यूज़ करना होता है। तो हरीन जब 8 मंथ की हो जाएगी तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। इसकी एक्सपायरी डेट है 8वां महीना और 2020। तो 8 मंथ तक यानी जुलाई तक तो हरीन तकरीबन 9 माह की हो चुकी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद एक और है जी, 3 फल। इसमें भी वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ लिखी हुई है, तो हर बॉक्स में आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो तो पहली जो ठोस गज़ा दें वो यही वाली दें, गंदुम, और इसके साथ राइस था वो मैंने साशे में मंगवाया था। हरीम ने इसको माशाल्लाह कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, डाइजेस्ट भी करने लगी है, तो मैंने फिर इसका बड़ा बॉक्स मंगवा लिया। ये ध्यान में रखें, आप जो भी फ्लेवर मंगवा रहे हैं उसका पहले आप साशे मंगवाएं। तकरीबन 2 से 3 साशे जब वो अच्छी तरह से कंज्यूम कर ले, डाइजेस्ट कर ले, देन फिर आप उस बॉक्स ले लें। फर्स्ट टाइम ही बॉक्स नहीं ले लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा होता कोई एक फ्लेवर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेरी पहली ठोस ग़िज़ा 6 माह की उम्र से, यानी कि पहली ठोस ग़िज़ा। उसके बाद आप ये वाला इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं 6 माह की उम्र से, देन आप 8 मंथ पे आएंगे। उसके बाद 1 साल की उम्र से अगर आप चाहते हैं तो करवा लें, वरना फिर आप जो घर में खाना बनता है वो बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे जो है बनाने का तरीका लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स में है वीट फ्लावर, स्किम मिल्क, सक्रोज, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉर्न, पियर, एप्पल, मिनरल्स, स्ट्रॉबेरी। ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। हर इंग्रेडिएंट ज़ाहिर है डिफरेंट, जो भी प्रोडक्ट है यानी कि इसमें सेब और नाशपाती है इसका इंग्रेडिएंट डिफरेंट है। मैं आपको सिंपल वाला इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो कि गंदुम वाला है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वीट फ्लावर, मेन इंग्रेडिएंट इसका यही है गंदुम। खुराक किस तरह से बनानी है हमें, नेस्ले का दूध मिला दलिया चम्मच से खिलाने के लिए है। अपने बच्चे की उम्र की मुनासबत से इसे दिन में नेस्ले से रिलैक 2 या 3 बार दें। अगर आपका माहिर सेहत कोई और मशवरा दे तो इस पर अमल करें। इब्तदा में नेस्ले से रिलैक का 1 बड़ा चम्मच अपने बच्चे को दिए जाने वाले पानी के 4 से 5 चम्मच के साथ मिलाकर दें। बतदरीज बढ़ाते जाएं हत्ता के वो डब्बे पर दी हुई मिकदार के मुताबिक मुकम्मल ग़िज़ा बन जाए। अब डब्बे पर दी हुई मिकदार के मुताबिक जो ये चार्ट है इसे आप फॉलो कर सकते हैं जब आपका बेबी यूज्ड टू हो जाए। एज है, वाटर कितना मिलाना है, नेस्ले सेरेलैक के कितने स्पून्स हैं, और फिर मील्स पर डे। तो यहाँ पे फ्रॉम 6 मंथ से आपको 75 ml पानी के साथ मिक्स करके देना है, और नेस्ले सेरेलैक के नेस्ले सीरियल के यहाँ पे 4 टेबल स्पून्स आपको मिलाकर देने हैं 75 ml वाटर के साथ, और 2 से 3 सीरियल्स यानी कि 2 से 3 मील्स पर डे आपको देना है। और मिल्क की क्वांटिटी फिर आपकी अलग है, जो फॉर्मूला या फिर मदर फीड है उसकी क्वांटिटी अलग है। ये उर्दू में और यहाँ पे वही चीज़ है इंग्लिश में। नीचे देखें लिखा हुआ है दूध में शामिल ना करें, क्योंकि नेस्ले दलिए में दूध पहले ही से शामिल है। 6 माह की उम्र से अपने बच्चे को दूध और दलिए के अलावा दूसरी गजाएं भी देना मुनासिब है। गंदुम से बना नेस्ले दलिया जिसमें दूध शामिल है, आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ के मुताबिक 6 माह की उम्र तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। नेस्ले इस तजवीज़ की हिमायत करता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट 6 माह से इस्तेमाल करनी चाहिए, चूँकि हर बच्चे की गजाई ज़रूरियात एक जैसी नहीं होती। इसलिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। ये प्रोडक्ट पहली ठोस ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल के लिए मौजू है। ठोस ग़िज़ा मुतारिफ करवाने के बाद भी जब तक मुमकिन हो बच्चे को माँ का दूध जारी रखें, क्योंकि माँ का दूध बच्चे को इसहाल और दूसरी बीमारियों से बचाता है। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, क्लोज द बैक पैक टाइटली आफ्टर ईच यूज़
एंड स्टोर द पैक इन अ कूल ड्राई एंड एयर टाइट स्पेस बेस्ट बिफोर एंड यानी एक्सपायरी डेट से पहले आपको उसको कंज्यूम करना है सारा. इंडिकेट ऑन टॉप ऑफ द पैक यानी कि ऊपर वाला जो पैक है इस पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है. उसके बाद लिखा हुआ है यूज़ विद इन 3 वीक्स ऑफ ओपनिंग द पैक. पैक को खोलने के बाद 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना है. इस्तेमाल के बाद हर मरतबा दलिए का पैक अच्छी तरह बंद करें और खुश्क ठंडी और हवाबंद जगह पर रखें. पैक के ऊपर दर्ज मुकर्रर तारीख एक्सपायरी से पहले इस्तेमाल करें. दलिए का पैक खोलने से वही बातें उर्दू में लिखी हुई हैं. ठीक है जी, ये इसकी एक साइड हो गई. दूसरी साइड हम देख लेते हैं. यहाँ पर तैयारी का तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरह से तैयार करना है. फोकस हो जाओ, फोकस हो गया. तैयारी किस तरह करनी है? बच्चे की खुराक तैयार करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लें. खुराक की तैयारी में शामिल तमाम बर्तन अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें. पीने का साफ पानी 5 मिनट तक उबालें और उसे ठंडा होने दें. फिर 75 मिलीलीटर नीम गर्म पानी प्याले में डालें. 25 ग्राम नेस्ले सिरेलैक या फिर 4 हमवार खाने के चम्मच शामिल करें. अच्छी तरह हिलाएं यहाँ तक कि दलिया यकजान हो जाए. अपने बच्चे को हमेशा साफ चम्मच से खिलाएं. अच्छी तरह हिलाएं यहाँ तक कि दलिया यकजान हो जाए. अपने बच्चे को हमेशा साफ चम्मच से खिलाएं. बचा हुआ दलिया हरगिज़ ना रखें. उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं. अच्छा जी, बाकी पैकेट्स पर भी इसी तरह से सारा सब कुछ लिखा हुआ ही लिखा हुआ है. फोकस हो जाओ, ये देखिए. ठीक है, जो मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया है और इस वाले पर भी यही सब कुछ लिखा हुआ है. कहीं पर भी प्राइस नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं प्राइस आपको बता देती हूँ. जो न्यूली मदर्स हैं और वो 75 ml वाटर की मेजरमेंट से परेशान हो रही हैं कि वो हम कैसे मेजर करें, तो हर बॉटल पे ना इस तरह से मेजरमेंट स्केल दिया हुआ होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 75, तो इस यहाँ तक आप पानी भरेंगे ना तो वो 75 ml होगा. और ये इसी से आप जो है वो फिर सिरेलैक बना सकती हैं. वैसे मैं तो अंदाज़े से डाल लेती हूँ पानी, लेकिन आप बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा तो आप फीडर के थ्रू भी मेजर कर सकती हैं पानी. और नीम गर्म पानी में बनाइएगा.